भी करता हुआ। वेरॉक इंजीनियरिंग को स्क्रीन पे दिखाइएगा, 20% के सर्किट पे लॉक्ड। दरअसल कंटिन्यूस सेशन में वो अपडेट आया इस कंपनी की तरफ से, आपको याद होगा वो बीच में स्टॉक्सी न्यूज के तौर पे बताया गया था, आपको रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अपना लाइटिंग सिस्टम्स का ऑपरेशंस जो है वो जो यूरोप यूएस में है वो बेचना चाहते हैं। 600 मिलियन यूरोज में बेच दिया गया है, और 600 मिलियन यूरोज मतलब 60 करोड़ यूरो, 1 यूरो 80 का मतलब मोटा मोटी इनके पास आ गए 4,800 करोड़ रुपए इस ट्रांजैक्शन से। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का, इसीलिए आप देख रहे हैं सर्किट पे। और ये कंपनी कह रही है, इसने ये धंधा एक्वायर करा था, अब मुझे याद नहीं, रिकलेक्ट करो, जब स्टॉक्सी न्यूज आया था तब 2012 या 2013 में कुछ 100-120 मिलियन यूरोज में, अब 600 मिलियन यूरोज में बेच दिया है। और ये कंपनी की रिलीज कहती है कि अब ये लोग ये जो फोर व्हीलर लाइटिंग सिस्टम्स को ऑपरेशंस बेच रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, और अब फोकस करेंगे ये लोग ईवी प्रोडक्ट लाइंस पर और टू व्हीलर सेगमेंट पे, खास तौर पे ग्लोबली। तो उस पैसे का इस्तेमाल यहां होगा, रीजिक करते हुए बहुत बड़ी ऑप्टिक के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ये देखा गया मयूरेश, वेरॉक इंजीनियरिंग, और वेरॉक इंजीनियरिंग अगर नहीं भी हो तो ईवी के लिए आप कहां पे दाव लगा रहे हो? क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जैसे मैं कह रहा था थोड़े दिक्कत में थे, विद द कैश कमिंग इन और जो फ्लो होगा ईवी की तरफ और जो एक्सपोजर है ईवी की तरफ, मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो आई थिंक ये स्टॉक जिसके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड,